हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेंड एंड स्टॉक्स वंस अगेन। टुडे टाटा मोटर्स देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से पिछले कुछ महीनों के अंदर परफॉर्म करके दिखाया है इस स्टॉक ने। और हाल ही में हमने देखा मार्च मंथ में अपने नए 52 वीक हाई तक ये स्टॉक पहुंचा 357 रुपए के लेवल्स पर। अब यहाँ पर एक ग्लोबल रिसर्च फर्म गोल्डमैन सैक्स ने कुछ ऐसा बोला है टाटा मोटर्स के लिए, जिसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सावधान हो जाना चाहिए अगर आपने कोई भी एग्जिस्टिंग पोजिशन इसके ऊपर हायर लेवल्स पर बनाई है। तो यहाँ पे आप देखिए टाटा मोटर्स का जो एसयूवी सेगमेंट है, जो बहुत ज्यादा प्रीमियम माना जाता है एंड डिमांडिंग माना जाता है आज के प्रेजेंट एरा को देखते हुए हिंदुस्तान में, उसको बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। और ये बात देखिए जग जाहिर सी है, जब से एमजी हेक्टर की एंट्री हुई है, किया मोटर्स की एंट्री हुई है इंडिया के अंदर, जितनी भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके जो एसयूवी सेगमेंट है वहां पर कहीं ना कहीं सेल्स के अंदर यानी कि मार्केट शेयर के अंदर एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे एमजी हेक्टर की जो एसयूवी कार्स है, किया मोटर्स की जो कार्स है, वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली ज्यादा हाई एडवांस्ड है बाकी एग्जिस्टिंग कार्स के। और ऐसा नहीं है कि देखिए हमारे जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी कार्स को, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके से मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है एमजी हेक्टर एंड किया मोटर्स जैसी नई कंपनीज का, वहां पर टाटा मोटर्स जैसे पुराने दिग्गज खिलाड़ी को काफी कुछ यहाँ पर कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। इनफैक्ट आने वाले टाइम में और भी ज्यादा करना पड़ सकता है। तो यही सारे रीजंस हैं जिसको साइट करते हुए गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे देखिए 22 मार्च 2021 को ही, आज यहाँ पर एक आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ द इकोनॉमिक टाइम्स पर, जहां पर उन्होंने 20% डाउनसाइड की यहाँ पर वो बेसिकली आने वाले टाइम में एक अनुमान लगा रहे हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग करंट मार्केट प्राइस से 20% तक ये स्टॉक नीचे जा सकता है। और देखिए क्लियरली यहाँ पर कहा गया है कि 70% राइज हुआ है इस साल में अभी तक, जो फंडामेंटल्स को ओवरशॉट कर गया है, यानी कि जो फंडामेंटल जस्टिफाई नहीं कर रहा है ये 70% का राइज। और इसीलिए इस ब्रोकरेज फर्म ने 241 रुपए के टारगेट के साथ में इसके अंदर सेल कॉल इनिशिएट करने के लिए रिकमेंडेशन दी है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि देखिए यहां पर इतनी बड़ी ग्लोबल रिसर्च फर्म टाटा मोटर्स के अंदर अब इन लेवल से सेल कॉल देती हुई नजर आ रही है। टाटा मोटर्स मार्केट शेयर टारगेट्स आर ऑप्टिमिस्टिक गिवन दैट डिस्पाइट न्यू लॉन्चेस द कंपनी हैज लॉस्ट मार्केट शेयर इन द की एसयूवी सब सेगमेंट्स ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स ओइंग टू राइजिंग कॉम्पिटिशन। यही सारी चीजें देखिए डर सता रहा है बड़े एनालिस्ट को भी कि यहां पर जो बढ़ता हुआ कॉम्पिटिशन है उसकी वजह से कहीं इनकी चमक फीकी ना पड़ जाए। और देखिए रीजन बहुत ज्यादा वैलिड भी है, क्योंकि देखिए लोग जनरली उस गाड़ी की तरफ भागना पसंद करते हैं जो नई हो मार्केट के अंदर, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड हो। और जाहिर सी बात है एमजी हेक्टर एंड किया मोटर्स ने जो मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगाया है वो तो बहुत ही शानदार तरीके से हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सारी चीजें इंपैक्ट कर सकती हैं आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स के स्टॉक को। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर आपने ले रखी हैं तो या तो फिर आपको पोजीशन अपना बनाना चाहिए, मतलब अपना व्यू बनाना चाहिए बहुत लंबे टाइम के लिए, अदरवाइज तो यहाँ पे आपको एग्जिट लेना ही सही रहेगा, ऐसा मानना है गोल्डमैन सैक्स का। तो 2% की आज गिरावट के साथ में लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आप देखिए लगभग 303 रुपए के ऊपर है। अगर आज का डे लो देखेंगे तो तकरीबन 300 रुपए के आसपास, यानी कि इसी क्लोजिंग के आसपास यहां पर बंद होते हुए आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अभी तक कोई बड़ी गिरावट यहां पर उस न्यूज के बेसिस पर, उस आर्टिकल के बेसिस पर नहीं देखने को मिली है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। लेकिन देखिए इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि निफ्टी के अंदर जो रैली आई है वो बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड जोन्स पर पहुंच गई है। टाटा मोटर्स खुद 65 रुपए का शेयर हुआ करता था ये, और यहां से इसने 357 रुपए की रैली दिखाई है। यहां पर हम इसको बेसिकली बहुत ज्यादा मल्टीपल राइज इसके अंदर हमने देखा है, जिसकी वजह से करेक्शन अगर मार्केट के अंदर गहराता है तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स भी उसका शिकार होता हुआ देखने को मिल सकता है। 5.5 करोड़ से ज्यादा शेयरों के अंदर आज क्वांटिटी ट्रेड हुई है और मात्र 62 लाख से कम शेयरों के अंदर ही डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि 11% भी पूरी तरीके से यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी नहीं देखी गई है। और यही देखिए आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है, जब भी इसके अंदर राइज आएगा वहां पर आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। ये आप प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो दिसंबर ऑनवर्ड देखिए इस स्टॉक ने बेसिकली 160-165 रुपए के लेवल्स को क्रॉस किया, और उसके बाद में लगातार हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन करते हुए
357 रुपीस के लेवल्स हासिल करे इसने 3rd of March 2021 को, लेकिन लगातार उसके बाद इसके अंदर हमने गिरावट देखी है और अभी ये एग्जैक्टली अपने 50 डेमा के आसपास हमें नजर आ रहा है, ठीक उसके ऊपर ही यहां पर क्लोजिंग इसने दी है अपने डेली चार्ट्स पर। तो ये देखिए जो 50 डेमा है इसका, मैं तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानता हूं क्योंकि पिछले 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर इस स्टॉक ने इसको ब्रीच नहीं किया है और मैं तो ये चाहता हूं कि अभी भी ये यहां से बाउंस बैक होए, रिवर्सल होए और ऊपर की तरफ चले। लेकिन यहां पर जो वैलिड रीजन कोट किया गया है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से उसको नकारा नहीं जा सकता, इसलिए अगर ये स्टॉक 50 डेमा को ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो फिर आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, कॉशियस हो जाइएगा क्योंकि इसके अंदर फिर फर्दर गिरावट बढ़ सकती है और ये स्टॉक वाकई में 250 रुपए तक के लेवल यानी कि 100 डेमा तक भी डिप दिखा सकता है। हालांकि गोल्डमैन सैक्स ने 241 रुपए का टारगेट दिया है यानी कि 100 डेमा से भी नीचे के टारगेट यहां पर गोल्डमैन सैक्स ने दिए हैं एज पर द बैकवर्ड अप्रोच जो यहां पर इसका सपोर्ट दिखाई देता है। इस तरीके से स्ट्रेटेजी आपको बनानी चाहिए सो दैट कि आपको अगर नुकसान हो रहा हो तो आप टाइमली यहां से एग्जिट करें और फिर जब ये बेसिकली किसी लेवल्स पर, नीचे के लेवल्स पर सपोर्ट लेके रिवर्सल ले तो वहां पर फिर दोबारा इसके अंदर एंट्री करने की कोशिश करें। आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी बिल्कुल वीकनेस दर्शा रहा है, देखिए 50 पॉइंट से नीचे उतर के आ गया है और इस बार ये अपने ओवर सोल्ड जोन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये स्थिति बहुत दिनों बाद आपको दिखाई देगी क्योंकि ये लेवल्स इसके जो है ये तकरीबन आपको अक्टूबर में दिखाई दिए थे, उसके बाद में यही नियरेस्ट लेवल आपको 21 दिसंबर को दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद में ये लेवल्स आरएसआई ने कभी भी अचीव नहीं करे थे डाउन साइड में, जो अब ये बढ़ता जा रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि टाटा मोटर्स के अंदर गिरावट आ सकती है, इसलिए यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए सेल कॉल है और मैं पर्टिकुलर आपको बताना चाहूंगा कि देखिए अगर इन लेवल से आप सेल करते हैं तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो रहना चाहिए तकरीबन 310 रुपए के आसपास का और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो पहला टारगेट मैं ये समझता हूं कि आपको यहां पर आते हुए देखने को मिल सकता है 280 रुपए का, और अगर 280 रुपए भी ब्रेक होता है तो फिर तो आप 250 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इसको सेल की तरफ आगे लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड भी ले सकते हैं कैश सेगमेंट में, और अगर लॉन्ग साइड की बात करें तो फिर डेफिनेटली आपको यहां पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब तक ये सपोर्ट नहीं ले तब तक इसके अंदर कोई भी फ्रेश पोजीशंस लॉन्ग साइड के अंदर बनाने की ना सोचे। तो देखिए इस वीडियो के अंदर गोल्डमैन सैक्स ने क्या कहा है वो आपको दिखाया और जानने की कोशिश करिए कि क्या कुछ टेक्निकल लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं डेली चार्ट्स के ऊपर टाटा मोटर्स के। तो इस वीडियो को देखिए यहीं पर ही करते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने ट्रेंडिंग स्टॉक्स नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बराबर में दिया बेल आइकन भी जरूर दबा दें जिससे मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।